नमस्कार, आप सबका हेमंता गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा हम एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन ये टॉपिक सोसाइटी क्लास में भी है और एंथ्रोपोलॉजी में भी है। तो हम आज जो संस्कृताइजेशन है वह एंथ्रोपोलॉजी बेसिस पर पढ़ेंगे। संस्कृताइजेशन का एकदम सिंपल, एकदम लोकल भाषा कहिए तो ठेठ बिहारी भाषा में अगर हम समझें तो संस्कृताइजेशन का सिंपल मीनिंग यह है कि दलित पीपल का लोअर पीपल का अपर पीपल के जैसा व्यवहार करना ही संस्कृताइजेशन कहलाता है। जैसे बड़ी बड़ी मूछें रखना, ब्राह्मणों जैसा चंदन टीका माला पहनना। जैसे अगर हम राजस्थान की एग्जाम्पल लें तो दलित समाज के लोग घोड़ी पर चढ़कर बारात जाया करते हैं। ये सोशियो कल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम से होना जरूरी भी है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। अब जो लोग दलित समाज को ऊपर होते हुए नहीं देखना चाहते उसकी तो बात ही अलग है, उस डिबेट में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। मगर यहाँ पे हम सिंपल मीनिंग समझा रहे हैं कि लोअर कास्ट का अपर पीपल के जैसा व्यवहार करना ही संस्कृताइजेशन कहलाता है। जैसा हमने पहले ही कहा, बड़ी बड़ी मूछें रखना और पूजा पाठ करना, मांस मछली छोड़ देना, दारू पीना छोड़ देना, क्योंकि उन लोग को SC ST पीपल को यही जाना ही जाता था कि ये लोअर कास्ट के हैं तो ये दारू मांस मछली ये सब खाया करते हैं। तो इन सब चीजों का त्याग करना, वेद का पाठ करना, धार्मिक गीता महाभारत जैसे शिव पुराण विष्णु पुराण तो धार्मिक बिहेवियर करना, इन सभी पुस्तकों का अध्ययन करना, अपर कास्ट के लोगों से भी डेवलपमेंट कर जाना, यह संस्कृताइजेशन को हम समझ सकते हैं। हम यहाँ पे एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि ये मैंने जो भी पॉइंट कहा कि SC ST OBC पीपल का अपर कास्ट जैसा बिहेव करना ही संस्कृताइजेशन कहलाता है, ये मेरा व्यू नहीं है। यह व्यू किनका है? बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, MN श्री निवास, MN श्रीनिवास जी का कहना है। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी यह कहे कि आप दलित विरोधी हैं तो यह तो बेईमानी होगी। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि यह केवल UPSC एस्पिरेंट के लिए ही, हम जितने भी वीडियो बनाते हैं वो उन लोगों के लिए ही है। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी और इन लोगों को आकर इसमें दखल अंदाजी करना ये हम समझेंगे कि बेईमानी होगी। इसलिए अगर जो लोग डर रहे हैं कि ये जो मैंने बातें कहा वो एग्जाम में अगर संस्कृताइजेशन पे लिखना हो, इसमें कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति है वह लगभग 60-70 वर्ष से वो यही चीज चेक कर रहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि वो हम लोगों से भी पढ़ा लिखा वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पे खत्म हो जाएगी, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।